अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की उस्तानी कारवानी उर्दू, ये देखिए आप, कारवानी उर्दू बराए जुमात दोम, कारवानी उर्दू बराए जुमात दोम, मतलब दूसरी क्लास की उर्दू की किताब है जी। कारवानी उर्दू में आज का हमारा नया सबक है जी, ये पाकिस्तान जिंदाबाद की पूरी मश्क आप कर चुके हो, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद के सवालात व जवाबात, ये ऐसा लफ्ज़ जो एक साथ दो बार इस्तेमाल होते हों, पाकिस्तान का परचम और ये कुछ अल्फाज, ये सारा काम आप कर चुके हो, ठीक है। फिर आखिर में आपका था खुशखती, ये भी मैं कल आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। आज का हमारा नया सबक है, हुक्म दिया है प्यारे नबी ने, सफ़ा नंबर है 17, ये देखें आप, सफ़ा नंबर 17। सबक है, हुक्म दिया है प्यारे नबी ने, हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जी। अब मेरे साथ पढ़ते जाइए, लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं, लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं, लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं, हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, चढ़ता जाऊं इलम के जीने, चढ़ता जाऊं इलम के जीने, जीने क्या लफ्ज़ है, जीने। शाबाश, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें, चढ़ता जाऊं इलम के जीने, साफ करूंगा दिलों से कीने, साफ करूंगा दिलों से कीने, क्या लफ्ज़ है, कीने। हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, ठीक है। लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं, हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, चढ़ता जाऊं इलम के जीने, साफ करूंगा दिलों के कीने, हुक्म दिया है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जी। सफ़ा पलटाइए, सफ़ा नंबर 18। अपना दिल भी साफ करूँ मैं, अपना दिल भी साफ करूँ मैं, बदला ना लूँ माफ़ करूँ मैं, बदला ना लूँ माफ़ करूँ मैं, हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई अगर दे मुझको अमानत, कोई अगर दे मुझको अमानत, करूँ ना हरगिज़ उसमें खयानत, करूँ ना हरगिज़ उसमें खयानत, हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, खुद जो सीखूँ सबको सिखाऊँ, खुद जो सीखूँ सबको सिखाऊँ, अच्छी अच्छी बातें सबको बताऊं, अच्छी अच्छी बातें सबको बताऊं, हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सबक किसने लिखा हुआ है? ये अहमद हातिब सदीकी ने ये नात लिखी हुई है, ठीक है जी बच्चे। तो हम इसकी पढ़ाई कर चुके हैं, अब मैं आपके इस सबक के जो मुश्किल अल्फाज है वो समझाऊंगी, ठीक है। हमने सबक पढ़ा, हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, सबक को हमने पढ़ा, उसमें से कुछ मुश्किल अल्फाज भी थे, जैसे कि एक लफ्ज़ था जीने, ठीक है, एक लफ्ज़ था जीने, एक लफ्ज़ था कीने, एक लफ्ज़ था हरगिज़, इस तरह खयानत,
अमानत, ये अल्फाज आपने पिछली क्लास में पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जीने का क्या मतलब है? सीढ़ियाँ। जीने का क्या मतलब है? ये देखें, आपके पास यहाँ पे लफ्ज़ है ना जीने, ये देखें आप, लफ्ज़ है आपके पास जीने, तो जीने का क्या मतलब है? सीढ़ियाँ, ठीक है। कीने, कीने हसद को कहते हैं, बोहस को कहते हैं। जलन मतलब एक इंसान, ऐसे ही मैं आपके मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि आपके क्लास में एक बच्चा बहुत ज़्यादा लायक है, वो फर्स्ट आता है, पहली पोजीशन लेता है, ठीक है। और एक आध बच्चा होता है कि उसके दिल में एक हसद होती है, एक बोझ होता है, एक कीना सा होता है कि ये क्यों हर वक्त फर्स्ट आता रहता है, हर साल फर्स्ट आता है, अल्लाह करे कि इस साल ये फर्स्ट ना आए, ठीक है। मतलब अपने दिल में किसी के लिए बुरी सोच रखना, इसको कहते हैं कीना, ठीक है, इसको कहते हैं कीना। अब सफ़ा नंबर 18 पे देखें आप, ये लफ्ज़ है अमानत। अमानत, अमानत का मतलब तो आपको पता है ना कि अमानत क्या है? जी बिल्कुल, जब आपको एक इंसान कोई भी चीज़ दे दे, कोई भी चीज़, चाहे वो पैसे हैं, कॉपी है, किताब है, पेंसिल है, कलर वगैरह, रंग वगैरह है, जो भी चीज़ आपको देता है एक इंसान के, ये आप अपने पास रखो और एक घंटे बाद या कल परसों मैं आपसे ये ले लूँगा, तो उसको अमानत कहा जाता है, ठीक है। अब लफ्ज़ देखिए खयानत, ये लफ्ज़ है खयानत। जी बिल्कुल, खयानत का मतलब पता है ना, जब आपको कोई चीज़ देता है, कोई भी चीज़ सॉरी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको पेंसिल, रंग, पैसे, कॉपी, किताब, जो चीज़ भी आपको एक बंदा देता है, एक इंसान देता है, और आपको कहता है कि आप इसको रखो, संभाल के मैं आपसे कल ले लूँगा, तो वो तो उसने अमानत दे दी आपको, और आप उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत भी करते हों। जब वो आपको एक वो चीज़ जिसने दी है और आप उसको संभाल के अपने पास रखते हो, और जब वो बंदा आपसे मांगता है, वो इंसान आपसे अपनी वो चीज़ वापस मांगता है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल उसी हालत में वापस करते हो, तो इसको अमानत कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपको देता है और वो आपसे मांगता है वापस दोबारा अपनी वो चीज़, जो भी चीज़ है, और वो आप कहते हो कि वो तो मुझसे गुम गई है वो चीज़, या उसका कलर, उसका वो ख़राब हो गया है मुझसे, थोड़ा सा किसी ने उसको ख़राब कर दिया, तो ये हो जाता है खयानत। किसी के चीज़ को उसकी सही हालत में उसको ना वापस करना, ये खयानत कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद लफ्ज़ हैं सीखूँ, सबको सिखाऊँ, खुद जो सीखूँ सबको सिखाऊँ, मतलब जो भी आप इलम हासिल करते हो, अच्छी बातें सीखते हो, तो आपके दिल में ये चाह होती है, ये ख्याल होता है कि मैं ये अच्छी बातें, ये इलम दूसरों को भी सिखाऊँ, ठीक है जी। तो अब आप अपनी जी इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, फिर मैं आपको कुछ इसके सवालात जवाब भी करवाऊंगी। मुश्किल अल्फाज के मायने मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। जीने, सीढ़ियाँ, कीने, हसद, बुराइयाँ, बोझ, ये सारा कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। हरगिज़ किसी भी हाल में, हरगिज़ मतलब किसी भी हाल में, ठीक है। आज का हमारा नया सबक बहुत खूबसूरत सबक था, आपने सीखने को बहुत कुछ आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।